तो एक सवाल का जवाब दे दोगे? हाँ। अच्छा, सवाल ये है कि एक गधा जो है वो 26वें फ्लोर पे खड़ा है, घास पड़ी है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, वो गधा कैसे खाएगा घास? गधा रियल में? हाँ, रियल गधा। आई थिंक वो नीचे, वो ऊपर चढ़ा कैसे पहले मुझे ये बता। यार हर बंदा मुझसे सवाल की डिटेल क्यों मांग रहा है? ये सवाल गया ना, यही उसकी गलती है। गधे का बच्चा है ना, गधे का बच्चा उल्टी सीधी हरकतें करेगा, अकल नहीं है, चला गया। आप तो नहीं होना के? नहीं नहीं यार, मैं गधा थोड़ी हूँ यार, मुझे गधा बना दिया। अच्छा, आप हिंट दे दे। हिंट नहीं है इसमें, हिंट नहीं है, थोड़ा सा। चलो हिंट ये मैं आपको, हिंट नहीं है, मैं मजीद इसको सवाल को डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ना बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियाँ हैं, ना बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट है, और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता किसी तरह घास पहुँचा दी जाए। अब आपका कॉमन सेंस का टेस्ट ही है कि आपने उसी सिचुएशन में घास पहुँचा दी। सोचो सर, आई थिंक वो पेंटिंग है जो ऊपर। ना ना सर, एक्चुअली गधा खड़ा है, रियल में गधा, बाकायदा गधा ऐसा करने वाला गधा खड़ा है। और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैं कितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ बताओ। दो लफ्जी में बात करूँ तो आई डोंट नो। हार मानी? यस, गधे ने भी हार मान ली थी। बस जाते जाते शरोज, उन लोगों को कुछ कहना चाहते हो जिन्होंने आपके पैसे लिए उधार और वो अब गायब हो गए, उधार वापस नहीं कर रहे? यार वो मेरा 1000 रुपया था मेरा भाई, वो मुझे नाम ले लो ना जिसने लिया था। नाम नहीं दे सकता वो, फिर उससे वो पता क्या था, वो यार मार वाला सीन नहीं होता, वो हो जाता। अच्छा, मतलब नाम नहीं ले। बस अगर वो सुन रहा है ना तो 1000 रुपया भाई तुमने मेरा देना। हाँ, एक और बंदा है उसने भी मेरा 1500 देना, तो भाई जरा वो ज्यादा ना जैस कैश कर देना, ठीक है? अच्छा सही है। और ये जिस तरह से जैकेट की जिप को ऐसे करो ना, कभी पैंट की जिप ऐसे मत करना। हाँ नहीं, वो छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, मुझे सिर्फ ये बता दो कि 26वें फ्लोर पे एक गधा खड़ा है और घास पड़ी है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, वो गधा कैसे खाएगा घास? गधा घास कैसे खाएगा? गधा घास कैसे खाएगा? यार देखो मेरी बात, एक उन्होंने जैसे गधा 26वें फ्लोर पे चढ़ाया ना, वैसे ही गधे को नीचे लेके आएंगे और घास खिलाएंगे फिर छत पे, ऊपर से फ्लोर ले जाएंगे। यार हमारे पास यही हल है कि हम उसको नीचे लेंगे ना। नहीं ला सकते ना, ना बिल्डिंग में सीढ़ियां हैं ना बिल्डिंग में लिफ्ट है, नहीं तो चढ़ा कैसे होगा? यही तो बता रहा हूँ, उसने गधों वाली हरकत की। फिलहाल कैसे खींचा किसी ने? नहीं, वो पतंग नहीं है जिसको ऐसे खींचना है। नहीं तो देखे ना, ना सीढ़ियां हैं ना लिफ्ट है, तो उसको ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, आप फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि आप 26वें फ्लोर पे हो और घास नीचे, आप कैसे खाओगे? यार मैं घास नहीं खाऊंगा। ये बात देखो, कितना अच्छा ही उम्र है, आपने घास नहीं ना खानी। अब इसी तरह मैं फूड डिलीवर करूंगा, जो डिलीवरी बॉय आएगा देने, ऊपर से मैं टोकरी लटकाऊंगा। ठीक है, ये आपका तो खाना पहुंच गया, अब गधे का भी ख्याल करो ना, उसको कैसे? मेरी बात, फर्स्ट ऑफ ऑल बात, ये गधा मेरा है, नहीं तो मैं क्यों ख्याल करूं यार? लेकिन इंसानियत के नाते किसी जानदार की भूख का ख्याल, तो उसकी इंसानियत मरी थी जिसने गधा ऊपर चढ़ाया था। हाँ, उसकी मरी थी, तो फिर आपके जैसे ही होगा भाई। अच्छा चलो बताओ ना, आपके हिसाब से क्या जवाब होना चाहिए? यार मेरे हिसाब से जवाब ये होना चाहिए कि गधे को आप कह रहे नीचे लाने का तरीका भी कोई नहीं है। यार बड़ा यार ये भी नहीं बता सकेगा। हार मानी? पता नहीं कहाँ से सुना, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का भी बता। हार मानी? यार नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। चलो मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे चाहे सही रहा लग जाए मैं जवाब। हमारे पास टाइम नहीं भाई, या तो हार मान के जाओ जवाब। अब आपने क्वेश्चन किया तो मैं जवाब दूंगा, चाहे सही रहा लग जाए। चलो दे दो जवाब। हार मानने वालों में से मैं नहीं। चलो जो वो हमें लग रहा है माशाल्लाह, थैंक यू। सोचता हूँ मैं बॉस, आप अच्छा गधा 26वें फ्लोर पे है, घास है ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, ना सीढ़ी है ना लिफ्ट है, घास ऊपर, गधा ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। फिर एक ट्रिक हमारे पास, गधे जहाँ गधा जहाँ खड़ा हुआ, कोई विंडो है? कुछ भी नहीं है सर। यार ये ना माफ करे, कैसे अब हम घास भी ऊपर नहीं लेके जा सकते, ठीक है? अच्छा ऊपर गधे के पास कोई जा भी नहीं सकता? वैसे भाई हार मान ले, मैं तो नहीं, गधे के पास कोई जा भी नहीं सकता, कोई भी नहीं जा सकता। गधा फिर 26वें फ्लोर पे गया कैसे यार? नहीं, आपने कैसे देखा गधे को 26वें? आंखों से नहीं, आप यहाँ से 26वें फ्लोर पे गधा देख रहे हैं? यार मुझे खबर आ गई थी। नहीं ये आपका यार, आप उसकी डिटेल, आपका फेयर आंसर नहीं है यार। फिर एक हम काम कर सकते हैं, हम किसी तरीके से ना, यार देखो गधा अपना वेस्ट तो करता होगा ना, साथ वेस्ट से वहाँ पे घास उग जाएगी। आपके अपने मतलब की चीज पे क्यों ध्यान गया गधे के वेस्टेज पे? यार मेरी बात सुन, मैं आपकी जैसा सिक्स सेंस देखा ना, गधा 26वें फ्लोर पे, मेरी वैसे सिक्स सेंस काम कर, कैरी भाई जान, ये गलत जवाब है। इन शॉर्ट ये गलत जवाब है। हार मानी? फिर हम क्या और क्या कर सकते हैं, हमने तो अपनी पॉसिबिलिटी सारी। हार मानी? मैं हार मान दूं जी, बताएं। गधे ने भी हार मान ली थी। यार निकले हम यहाँ से। खोती का ही बच्चा था ना वो गधा।
अच्छा मुझे बताओ, एक 27वें फ्लोर के ऊपर गधा खड़ा है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे घास पड़ी है, वो कैसे खाए? यहाँ पे नहीं, इमेजिन करो एक बिल्डिंग में खड़ा हुआ, ठीक है, कैसे घास को खाएगा? गर्दन लम्बी करके? नहीं ऐसा नहीं, ऊपर से नीचे आएगा, जारी बात, नीचे नहीं आ सकता, ना वो कहीं और मूव कर सकता, क्योंकि ना तो उसके अंदर स्टेयर्स हैं बिल्डिंग में, ना बिल्डिंग में सीढ़ियां हैं, ना बिल्डिंग के अंदर वो है लिफ्ट है। तो उते कीमे गया फिर? वो पैदा ही ऊपर हुआ है। तो कीमे पैदा हो तब था जब गद्दी ने ऊपर बच्चा दे दिया था, जब लिफ्ट भी थी, सीढ़ियां भी, सारा कुछ। भाई तुझे सवाल बता दिया, सिंपल सा सवाल है, गधा नीचे नहीं आ सकता। मुझे मुझे एक बात बता, जब सीढ़ियां थी तो गधे को पहले नीचे ले जाते, नाव पे छोड़ते? सर अब वो ऊपर है, अब उसे भूख लगी हुई, अब गधे की भूख का हल करो, वो कैसे खाए? मुझे नहीं लगता लड़का बता सकेगा। हारमानी? हारमानी गधे ने भी हार मान ली थी यार। ये बगैर ये आ रही है।